फादर ने जो कहानी सुनाई थी वो बढ़िया थी ना दोस्तों। हाँ, मैं तो पूरे दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। चलो जिमी, मैं भी कहानी के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता वो कितना महान था? अब्राहम ने ईश्वर के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया। क्या फादर हमें आगे की कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो, क्लास शुरू होने वाली है, हमें जल्दी करना चाहिए। चलो देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो बच्चों, अब हम अब्राहम की कहानी सुने? हाँ फादर। ठीक है, पर शुरू करने से पहले क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ फादर। बच्चों, तुम बता सकते हो अब्राहम ने हारान को क्यों छोड़ा? उन्होंने हारान इसलिए छोड़ा कि ईश्वर की आज्ञा थी। बिल्कुल सही। और ईश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? ईश्वर ने अब्राहम को कहा था, तुम एक महान राष्ट्र बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बिल्कुल सही बच्चों। अब्राहम और लोट बंटवारे के बाद कहाँ गए? मैं बताऊं फादर, लोट ने घाटी की उपजाऊ भूमि चुनी और इब्राहिम कनान के पर्वत पर गए। बिल्कुल सही लूसी। प्रश्न तो हो गए, क्या हम कहानी शुरू करें? हाँ फादर। अब्राहम बंटवारे के बाद कनान के पहाड़ से हेब्रोन गया। ईश्वर ने उसकी सहायता की और उसे यर्दन नदी के पास भेजा। वहां की भूमि बहुत ही हरी भरी और उपजाऊ थी। सोदोम के पास का शहर दुष्टता से भरा हुआ था। वहां के रहने वाले लोगों के कार्यों में दुष्टता भरी हुई थी। फिर एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से बात की। अब्राहम, डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। हाँ? बाहर आओ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की भी गिनती करो, क्योंकि तुम्हारी संतानें और संपत्ति इतनी ही बड़ी होगी। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैंने तुम्हें ये देश दिया है, अब तुम बलि चढ़ाओ। मैं ऐसा ही करूँगा प्रभु, धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं? मैं वेदी पर जा रहा हूँ, ये बलि चढ़ाने के लिए। क्यों? क्या ईश्वर ने तुमसे फिर बात की? हाँ प्रिय, कल ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वे मुझे आसमान में चमकते असंख्य तारों की तरह संताने देंगे। कितनी अच्छी बात है। हाँ प्रिय, काश ये सच हो जाए। हाँ, तुम खुश क्यों नहीं? क्या तुम्हें ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं? ऐसी बात नहीं है, पर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दूंगी? चिंता मत करो, ऐसा होगा, ईश्वर पे विश्वास रखो। हाँ प्रिय,
मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। तुम चिंता मत करो, जाओ, तुम अपनी बलि के लिए जाओ। मैं जल्दी ही आता हूं। जब अब्राहम बलि देने आया तो ईश्वर ने फिर उससे बात की। अब्राहम, तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह रहेंगे, वहां उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा और उन पर 400 वर्ष तक अत्याचार होता रहेगा, परंतु मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा और वे लोग बहुत सी धन संपत्ति लेकर वहां से निकल आएंगे। उस दिन ईश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया जो सदियों तक बना रहेगा। हाँ प्रिये, ईश्वर ने मुझसे कहा कि हमारे वंशज तारों जितने असंख्य होंगे। हाँ, पर नहीं प्रिये, हमें ईश्वर की कही बातों पर विश्वास करना होगा। धन्यवाद है यार। परंतु मेरी उम्र हो गई है। और धन्यवाद है गार, तुम बहुत सुंदर हो और जवान भी। प्रिय, इसे देखो जरा। क्या है प्रिय? मेरी बात ध्यान से सुनो, है गार अभी सुंदर है और जवान भी, और मेरी दासी भी है। मैं इसे तुम्हारी दूसरी पत्नी बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए ना प्रिय, हैगार अभी जवान है और संतान भी उत्पन्न कर सकती है। क्या तुम संतान के लिए ऐसा करना चाहती हो? हाँ मेरे प्रिय, मुझे बहुत खुशी होगी यदि तुम इसे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पर प्रिय, प्रिय आपको मेरी बात माननी होगी। हैगार, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगी। बहुत अच्छे हैगार, अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रिय, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा तो ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूं। अब्राहम से हागार का संसर्ग हुआ और वो गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वो गर्भवती है तो वो साराय का तिरस्कार करने लगी। ओह, ओह, ओह! तुम साराय ने कुछ समय सहा, परंतु फिर वो धैर्य न रख सकी और एक दिन उसने उसे चांटा मार दिया। हाँ? इब्राहिम, तुम्हें हैगार को समझाना होगा। जब से ये गर्भवती हुई है मेरा तिरस्कार करने लगी है, मेरा मजाक उड़ाती है, तुम्हें इसे समझाना होगा। मुझे माफ करना प्रिय, पर नहीं, मुझे मत रोको। ईश्वर हमारा न्याय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हागार डर गई और उजाड़ जगह पर भाग गई। वो बहुत दौड़ी तथा थक जाने पर एक झरने के पास रुकी। उसे आशा थी कि कोई उसकी मदद करेगा। वो रो रही थी, तब प्रभु के दूत आए। आप कौन हैं? तुम इब्राहिम के पास वापस लौट जाओ। तुम पुत्र प्रसव करोगी और उसका नाम इस्माइल रखोगी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर सुनने वाला। हागार अब्राहम के पास गई और उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा। इस्माइल बड़ा हुआ, अब्राहम उसे बहुत प्रेम करता था। इस्माइल, इस्माइल इधर आओ, लकड़ियां इकट्ठी करो। आ रहा हूं पिताजी। इस्माइल,
इस्माइल, भागो मत, रुको, आ रहा हूँ पिताजी। इस्माइल, कहाँ थे तुम? वो छोटी शरारती भेड़े बहुत दौड़ लगा रही थी और तुम उसके पीछे दौड़ रहे थे, मैं जानता हूँ। मैं इन लकड़ियों को कहाँ पर रखूँ पिताजी? तुम इन्हें इकट्ठा कर लो, चलते वक्त हम इन्हें साथ में ले जाएंगे। जी पिताजी। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। क्या हम अब चलें पिताजी? हाँ, तुम भेड़ों को ले चलो, मैं प्रार्थना करके कुछ ही देर में आता हूँ। अब्राहम, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के आठवें दिन किया जाए। वो पुरुष अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा जिसकी देह में खतना नहीं किया गया है, क्योंकि ये मेरे विधान का चिन्ह है। धन्यवाद ईश्वर, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं, सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वो तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। हम लोग काफी बूढ़े हो गए हैं प्रभु, अब हम संतान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इस कृपा का पात्र तो अब इस्माइल ही है। उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा, परंतु सारा अगले वर्ष इस समय पुत्र प्रसव करेगी और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, क्योंकि इसका अर्थ है हंसी। उसके साथ मेरा अनंत विधान स्थापित होगा। सारा है, सारा है, सारा है। क्या हुआ प्रिय? सारा है, ईश्वर ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम के नाम से जाना जाऊंगा और तुम सारा के नाम से। इसका मतलब होता है राजकुमारी। ये तो बहुत अच्छा है प्रिय। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, और उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में हर पुरुष का खतना होगा। खतना? पर क्यों? और ये चिन्ह बताएगा कि हम ईश्वर के लोग हैं। हाहा, कितना बढ़िया है। हाँ प्रिय, हम आपसे ही शुरू करते हैं, और हाँ, हमें इस्माइल का भी खतना करना है। हाँ हाँ, इस्माइल कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुलाती हूँ। इस्माइल, इस्माइल, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ पिताजी? इधर आओ इस्माइल, तुम्हारा खतना करना है। खतना? खतना क्या है पिताजी? मेरे साथ आओ, ये हम सब के लिए ईश्वरीय विधान है। और कई महीनों के बाद अब्राहम को तीन स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए। हाँ, ये कौन आ रहा है? सारा, पानी लाओ, मेहमान आ रहे हैं। हाँ प्रिय। हे प्रभु, आप यहां रुके, अपने इस नौकर के घर पर थोड़ा जलपान ग्रहण करें, उसके बाद यहां से जाएं। प्रभु, आपसे निवेदन करता हूं। ठीक है, हमें खुशी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं।
सारा, हमारे घर पर ईश्वर के दूत आए हैं। हेगार, पांव धोने के लिए पानी लाओ। सारा कहाँ है? वो तंबू में है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? सारा अगले वर्ष इसी समय पुत्र प्रसव करेगी। क्या? मैं 80 साल की हूँ और ये 90 साल के हैं। हमें कहाँ से संतान उत्पन्न होगी? सारा ये सोचकर हंसती है कि बुढ़ापे में भी संतान हो सकती है। हमारे प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यूँ हंसना नहीं था। जो मैंने तुमसे कहा है वही होगा। हम चलते हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सोदोम और गोमोरा के लोग बहुत दुष्ट हो गए हैं। वे पाप पर पाप किए जा रहे हैं। ये बात मुझ तक पहुंची है। अगर ये बात सही है तो मैं उस शहर का विनाश कर दूंगा। क्या आप पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देंगे? अगर नगर में आपको 50 धर्मी मिले तो भी क्या आप नगर नष्ट कर देंगे? यदि मुझे नगर में 50 धर्मी लोग मिले तो मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। और अगर आपको 40 मिले तो? अगर 40 भी मिले तो भी नहीं करूंगा। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। अगर वहां पर आपको 30, 20 या 10 लोग भी धार्मिक मिले तो आप सदोम को नष्ट मत करना। आपसे प्रार्थना है। अगर मुझे नगर में 10 भी धर्मी लोग मिले तो मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। धन्यवाद ईश्वर, आप कितने दयालु हैं। उस रात ईश्वर के भेजे दूत सदोम पहुंचे। अब करेगा तू? बोलता क्यों नहीं? ए, रुक जाओ। तुम सोचते हो तुम हमें रोक लोगे? हाँ, रुक जाओ वहीं। तुम कौन हो? तुम लोग इस पोशाक में बड़े मजेदार लग रहे हो। तुम हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तुम क्या सोचते हो? तुम ताकतवर हो? रुको रुको, अरे रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। ओ, ये कौन है? लॉर्ड, तुम हमें रोक सकते हो? नहीं, मेरा मतलब वहां रुक कर देखो तो सही, वो क्या है? ओ, आप लोग चलिए जल्दी से अंदर। ए लॉर्ड, दरवाजा खोल। आप देखिए, आप मेरे घर रुकिए, अभी अभी शहर मत जाइएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तू दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम इसे तोड़ देंगे। कृपया आप लोग चले जाओ, मैं उन्हें बाहर नहीं लाऊंगा। हम बस उनके संग थोड़ा सा मजाक करना चाहते हैं। क्या हम दरवाजा तोड़ें? देखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप दरवाजे से दूर रहिएगा। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अरे रुको, हट जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा। हट जा वरना हम तेरे साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे, समझा? हट सामने से। हम सब दरवाजा तोड़ कर उन्हें पकड़ेंगे। अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओह,
ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तो कोई जादू है, भागो। ये तो कोई जादू है, भागो। क्या क्या हो रहा है ये सब? लॉर्ड, क्या तुम्हारा इस नगर में कोई रहता है, बेटे बेटियां या कोई और? तो उन्हें लेकर इस नगर से निकल जाओ, क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने वाले हैं। क्या नष्ट करने वाले हैं? हाँ लॉर्ड, ईश्वर ने यहाँ के लोगों के पाप और हमको नगर को नष्ट करने के लिए भेजा है। मेरी दो बेटियों की यहाँ के पुरुषों से सगाई हुई है, मैं तो जाओ उन्हें लेकर आओ। हाँ, आप यहाँ के लोगों की रक्षा करिए, मैं जल्दी से आता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से जल्दी चलो, ईश्वर ने नगर को नष्ट करने के लिए दूत भेजे हैं। आप मजाक कर रहे हो? ईश्वर नगर को क्यों नष्ट करेंगे? क्योंकि ईश्वर ने देख लिया है कि नगर में क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत पाप बढ़ चुके हैं। सब बेकार की बातें हैं। सुनो, स्वर्ग दूतों ने कहा है कि अपने अपने परिवार को यहाँ से लेकर निकल चलो, जल्दी। लॉर्ड, तुमने क्या पी रखी है? बहुत बढ़िया मजाक किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ मर जाओगे। मर जाएंगे? आपको नींद की जरूरत है। क्या हुआ, वे लोग कहाँ हैं? वे लोग नहीं आए। क्या क्या आपने नहीं बताया कि स्वर्गदूत यहाँ है? हाँ हाँ, बहुत कहा, पर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि मैंने पी रखी है। जल्दी करो लॉर्ड, समय हो चुका है, इस नगर से भाग जाओ और पहाड़ पर चले जाओ, और ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाँ प्रभु, चलो प्रिय, हम यहाँ से भाग चले। चले जाओ और ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे प्रभु, चलो जल्दी चलो यहाँ से, चलो दौड़ते रहो, कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। जब स्वर्ग दूतों को नगर में 10 अच्छे लोग नहीं मिले तो उन्होंने नगर को नष्ट कर दिया। लोट और उसका परिवार बिना पीछे मुड़े भागते रहे। आह, ओ प्रिये। परंतु लोट की पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। हे प्रभु, हे प्रभु। क्या हुआ पिताजी? नहीं, पीछे मत मुड़ना, भागते रहो भागते रहो। हाँ, हे प्रभु, सदोम और गोमोरा में 10 व्यक्ति भी धर्मी नहीं मिले। तो बच्चों, ये कहानी है सोदोम और गोमोरा की। तो बच्चों, क्या तुम्हें इस कहानी में मजा आया? हाँ फादर। बहुत बढ़िया। क्या तुम में से कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ नहीं। तो बच्चों, क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछूं? हाँ फादर। ठीक है, जब अब्राहम ने ईश्वर से सोदोम को नष्ट नहीं करने की प्रार्थना की तो अब्राहम का मुख्य तर्क क्या था लूसी? फादर, इब्राहिम ने ईश्वर से 10 अच्छे लोगों के लिए सोदोम को नष्ट नहीं करने की प्रार्थना की थी। बिल्कुल सही। क्या ईश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी? हाँ, ईश्वर ने कहा कि 10 अच्छे लोगों के लिए सोदोम को नष्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया लूसी। अब अगला सवाल बताओ, लोट के दामाद क्यों मरे? फादर, मैं बता सकता हूँ। हाँ जॉर्ज। जब लोट ने उसके दामादों को सोदोम से भागने को कहा तो वे समझे कि वे मजाक कर रहे हैं और उनकी हंसी उड़ाई। हाँ जॉर्ज,
बिल्कुल सही जवाब। अब एक आखिरी सवाल। अच्छा ये बताओ, लोट की पत्नी को क्या हुआ था? लोट की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। बिल्कुल सही मैथ्यू, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय बच्चों। बाय फादर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। तो बच्चों, तुम लोगों को याकूब की कहानी पसंद आई? हाँ हाँ हाँ, मुझे खुशी हुई तुमको पसंद आई। किसी को कुछ पूछना है? फादर, मुझे पूछना है। हाँ हाँ लूसी। फादर, याकूब का आशीर्वाद कैसे मिला, क्योंकि ऐसा तो पहलोटा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। हाँ, सामान्यतः पिता का आशीर्वाद पहलौठे को मिलता है, परंतु एसाव ने अपना अधिकार याकूब को दिया था और इसीलिए वो आशीर्वाद उसे मिला। बताओ, याकूब को पहलौठे होने का अधिकार कैसे मिला? हाँ, एक दिन एसाव भूखा था, उसने शपथ खाकर याकूब को खाने के बदले अपना अधिकार दे दिया। ठीक है, वो योजना बनाता था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। तो याकूब का अर्थ कौन बताएगा? याकूब का अर्थ जिसने एड़ी पकड़ रखी हो। हाँ बिल्कुल सही, और उसका ये नाम कैसे पड़ा? फादर, क्योंकि जन्म के समय उसने उसके बड़े भाई की एड़ी पकड़ रखी थी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मैथ्यू। धन्यवाद फादर। अब मुझे बेतेल में याकूब के वादे के बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। हाँ जॉर्ज बोलो। जब ईश्वर ने याकूब से बेतेल में बात की तो उसे लगा कि यह स्वर्ग का द्वार है। उसने शपथ खाई कि वह उस स्थान पर वापस आएगा और ये भी शपथ ली कि वही उसके ईश्वर होंगे। हाँ सही, याकूब वहाँ से कहाँ गया? फादर, वो आराम देश गया। बिल्कुल सही जॉर्ज, ठीक है, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। अरे छोटे बच्चे, तुम इधर, लो थोड़ी घास खाओ। अच्छा, तो तुम भूखे नहीं हो? याकूब लाबान के पास एक महीने रहा। वो लाबान की भेड़े चराता था। राहेल और याकूब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। याकूब को राहेल से प्यार हो गया। मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। ओह, तो तुम क्यों लाई हो? तुम्हें पानी नहीं पीना है? हाँ, मेरा मतलब धन्यवाद। तो लो ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? मुझे पिताजी मिले थे, वे जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। परंतु वो यहाँ इस समय नहीं आते। उन्होंने तुम्हें क्या कहा? मुझे नहीं पता, वे यहाँ आ रहे हैं, तुम खुद ही पूछ लेना। अरे याकूब। हाँ जी। राहेल, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। मैं जा रही हूँ। बाय याकूब। ठीक है राहेल। याकूब बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। क्या बात है? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। ओह ठीक है जी। नहीं नहीं याकूब, मैं तुम्हारी मेहनत की बहुत कदर करता हूँ,
परंतु तुम मेरे भांजे हो, इसलिए बिना पैसे लिए काम मत करो। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। नहीं अंकल, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ओह याकूब, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें कुछ न कुछ तो देंगे, जरूर देंगे। मैं सोचता हूँ मुझे कुछ और चाहिए। क्या है? हाँ हाँ बताओ बताओ। अगर आप मेरी शादी राहेल से करा दें तो मैं 7 सालों के लिए आपकी सेवा करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें राहेल से विवाह करने दूंगा और भी बहुत सी वस्तुएं तुम्हें दूंगा। हाँ। ओह धन्यवाद अंकल, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। याकूब ने 7 वर्ष तक सेवा की और याकूब की मेहनत के कारण लाबान अमीर हो गया। एक महीना और, सिर्फ 1 महीना, फिर राहेल मेरी हो जाएगी। पर लाबान याकूब को धोखा देने की योजना बना रहा था। इसने अपने भाई को धोखा दिया, इसने अपने पिता को धोखा दिया, अब मैं इसे मूर्ख बनाऊंगा। और 7 साल बाद याकूब लाबान के पास राहेल से विवाह करने पहुंचा। लाबान ने विवाह उत्सव आयोजित किया। बहुत बढ़िया, थोड़ी और पियो। हाँ हाँ। ओ नहीं, मैं बहुत पी चुका। चलो पी लो, तुम्हारा विवाह है। ठीक है लो। मुझे तो लगता है इसे और शराब पिलानी होगी। ठीक है। क्या आप मुझे मेरे तंबू में ले जाएंगे? मैं अपने तंबू में जाना चाहता हूं। जब याकूब ने शराब पी ली तो लाबान उसे तंबू में ले गया। यहां आओ याकूब, ये तुम्हारी पत्नी है। मेरी पत्नी, मेरी प्रिय। शराब के नशे और रात में तंबू में याकूब स्त्री को पहचान नहीं पाया। वो राहेल नहीं, लिया थी। गुड मॉर्निंग प्रिय। गुड मॉर्निंग लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राहेल किधर है? क्या तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है। वो अपने तंबू में हैं। गुड मॉर्निंग याकूब। तुमने मुझे धोखा दिया है याकूब। मुझे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने 7 साल तक राहेल के लिए आपकी सेवा की है। हाँ, मुझे माफ करो याकूब, किंतु हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी का विवाह कर दिया जाए। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धैर्य रखो, मैं राहेल से भी तुम्हारा विवाह कराऊंगा। परंतु क्या? उसके लिए भी तुम्हें मेरे यहाँ 7 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। हाँ? और 7 साल? सिर्फ 7 वर्ष याकूब, 7 वर्ष। और मैं 1 सप्ताह में तुम्हारा विवाह राहेल से करा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं राहेल के लिए और 7 साल तक आपकी सेवा करूंगा। हाँ ठीक है। मैंने इसे फिर मूर्ख बनाया। और जैसा लाबान ने वादा किया था, याकूब से राहेल का विवाह करा दिया। याकूब, आज से ये मेरी बड़ी बेटी राहेल तुम्हारी पत्नी है। ओ मेरी प्रिये। याकूब के रहते लाबान का धन बढ़ गया। लिया को कई संतान हुई
और राहेल को एक पुत्र हुआ, यूसुफ। वे प्रेम पूर्वक रहते थे, परंतु याकूब अपने परिवार के पास जाना चाहता था। यूसुफ, पापा, नाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं खुश क्यों ना हूँ? मेरे पास सुंदर पत्नी है, सुंदर बेटा है। मैं दुनिया में सबसे भाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार और अपने देश वापस आना चाहते हो। हाँ हाँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो तुम पिताजी से बात क्यों नहीं करते हो? मैं जाता हूँ उनसे बात करने। परंतु कब? ये तो तुम कई दिनों से सोच रहे हो। मैं आज ही उनसे बात करूँगा। लो बच्चे को लो, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। ठीक है मेरे प्रिय। अरे याकूब, तुम यहाँ तो फिर भेड़ों को कौन देख रहा है? राहेल उनकी देखभाल कर रही है। मैं आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो भेड़ों को छोड़कर यहाँ चले आए? बहुत जरूरी बात है, आप सुनिए। हाँ ठीक है, क्या है? कृपया ध्यान से सुनिए, मैं बहुत दिनों से आपसे एक जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है याकूब? मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। क्यों? परंतु क्यों? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, पर मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों के पास। परंतु नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे माफ करिए, पर मैं जाना चाहता हूँ। थोड़े दिन और रुको, तुम्हें जो चाहिए मैं और दूंगा। ठीक है, मैं रुक सकता हूँ अगर आप मुझे मेरी मजदूरी दें। तुम मुझे अपनी मजदूरी बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आपकी जितनी भी भेड़ बकरियां हैं उनमें से काली, चित्तेदार, चितकबरी मेरी, बाकी की सफेद आपकी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर मैं रुक सकता हूँ। ठीक है, तो तुम काम पर जाओ। ये मुझसे बहुत ज्यादा मांग रहा है, मैं इसे फिर मूर्ख बनाऊंगा। लाबान बहुत लालची बन गया। वो सारे जानवरों को अपने पास रखना चाहता था। उसने याकूब को फिर मूर्ख बनाने का सोचा। राहेल, मैं शहर की तरफ जा रहा हूं, शाम होते ही आ जाऊंगा। वो गया। आओ मेरे बेटों, हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हमारे खेत पर। परंतु ये हमारे भी खेत हैं, फिर हम क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि याकूब को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं पिताजी? चुप रहो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वही करो। माफ करना पिताजी। ए तुम काले वाले, इधर आओ। मूर्खों, इधर आओ। सब चित्तीदार, काली और चितकबरी भेड़ों को ले चलो। पिताजी, आप बहुत चतुर हैं। आपने काली और चित्तीदार सभी भेड़ें ले ली हैं। हम याकूब को कुछ भी नहीं देंगे। मूर्खों, मैं याकूब को कुछ नहीं देने वाला, ये सब हमारी हैं। लाबान याकूब को कुछ नहीं देना चाहता था। उसने सारी चित्तीदार भेड़ें और काली भेड़ें अपने पुत्रों को दे दी। परंतु जब याकूब ने देखा तो वो समझ गया कि लाबान ने उसे फिर मूर्ख बनाया है। ओह, लाबान ने मुझे फिर मूर्ख बनाया। क्या हुआ प्रिय? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी इस बार उन्होंने क्या किया? यहां देखो, यहां सारी सफेद भेड़े हैं
और वो मुझे मूर्ख बनाकर मेरी सारी भेड़ें ले गए। ओह प्रिय, मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगती हूँ। और तुम्हारे भाई कहते हैं कि मैंने उनकी सारी संपत्ति चुराई है। परंतु क्यों उन्होंने यहाँ चोरी की? मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हमारे पास है हमें वो सब लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। वो फिर यहाँ आएंगे और जो कुछ है वो सब भी ले जाएंगे। हाँ याकूब, मैं सोचती हूँ हमें आज ही आपके देश चल देना चाहिए। हाँ, मेरे पिता के देश। तुम ठीक कहती हो राहिल, आज रात ही हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अगली सुबह याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति के साथ कनान देश की ओर चला। आह, अरे मैंने तुम्हें संभाल लिया, तुम ठीक हो? हाँ, बस जल्दी चलो। मैं जानता था कि वो धोखेबाज है। पिताजी, वो हमारी भेड़े भी ले गया। वो दो दिन पहले गया होगा, चोर। पिताजी, हम उसके पांव के निशान देख सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। चलो, हम उसके पांव के निशान का पीछा करते हैं, हम उसे पकड़ लेंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे कुछ ही दिनों में पकड़ लेंगे। लाबान ने 7 दिनों तक याकूब का पीछा किया। 7वें दिन ईश्वर उससे कहते हैं, लाबान, तुम याकूब को नहीं छूओगे, अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहोगे। जी मेरे ईश्वर, मुझे माफ करें। कुछ दिन बाद लाबान याकूब के पास पहुंचा, परंतु उसने ईश्वर की चेतावनी के कारण याकूब को हानि नहीं पहुंचाई। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? मैं नहीं भागा था, ये सब मेरा है। मैं जब यहाँ आया था तब तुम्हारे पास कुछ ही भेड़े थी, आज तुम्हारे पास इतनी भेड़े हैं, ये सब मेरी मेहनत का फल है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर ईश्वर ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि कमजोर की रक्षा के लिए ईश्वर है। हाँ ठीक है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है इसलिए आज ही हमें संधि कर लेना चाहिए। संधि? कैसी संधि? संधि इस बात की कि तुम हानि पहुंचाने हमें यहां से आगे नहीं आओगे। मैं फिर से तुम्हें नहीं देखना चाहता, ये मेरा वादा है। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं। लाबान अपने घर की ओर लौट गया और याकूब कनान देश की ओर चलने लगा। याकूब ने अपने आने का संदेशा एसाव को भेजा, जाओ। किंतु उसका दूत जब वापस आया तो उसने याकूब को बुरी खबर दी। मालिक, एसाव ने 400 सैनिक भेजे हैं, अब हम क्या करेंगे? हाँ, 400 सैनिक है वहां। हमें काफिले को 2 भागों में बांट देना चाहिए। जी मालिक। आधा परिवार एक काफिले में और दूसरा परिवार दूसरे काफिले में, ताकि हम एसाव के सैनिकों से बच सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है मालिक। ठीक है, जाओ और सबको बता दो। उस रात याकूब ने ईश्वर से प्रार्थना की और उनको हर चीज के लिए धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि वे एसाव को रोकें। हे मेरे ईश्वर, कृपया हमें एसाव से बचाइए। आप कौन हैं? तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। आह! रुकिए, आह, क्यों? मैं दौड़ते थक गया हूँ, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा,
मैं और नहीं दौड़ सकता। अब से तुम याकूब नहीं इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा और फिर भी मैं जिंदा रह गया। आह, मेरे पांव में चोट लगी है, फिर भी मैं तैयार हूं। मुझे चलते रहना होगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। हे, डरो मत प्रिये। मैं किसी से नहीं डरती, तुम हो ना। याकूब, तुम यहाँ हो? इतने दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम कहाँ थे? एसाव। ओ मेरे भाई, बीते कल को भूल जाओ मेरे भाई। हाँ हाँ, धन्यवाद। मेरे परिवार से मिलो। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, ये ईश्वर की कृपा है। और वो जो मैंने रास्ते में भेड़े ऊंट पशु देखे थे, वो? हाँ, वो भी मेरे हैं, ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है। और ऊंट और बाकी पशु? हाँ, वो भी मेरे हैं, और ये सब मेरी तरफ से आपको भेंट। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, ये सब तुम रखो। मना मत करो मेरे भाई, मेरी तरफ से इन्हें स्वीकार कर लो। मुझे तुमसे उपहार नहीं चाहिए भाई, तुम तो मेरे साथ घर चलो। मैं चलूंगा मेरे भाई। इस तरह याकूब कनान देश लौट आया और एसाव के साथ सुख से रहने लगा। फादर, याकूब की कितनी संतान थी? उसके 12 पुत्र और एक पुत्री हुई। तो बच्चों, तुम्हें कहानी कैसी लगी? हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ। जॉर्ज, मुझे इज़राइल शब्द का अर्थ बताओ। इसका अर्थ है फादर, जो ईश्वर और मनुष्यों से लड़कर विजयी हुआ। हाँ सही है, बैठ जाओ। मैं थियो, एक अंतिम प्रश्न तुम्हारे लिए। हाँ फादर। तुम्हें याकूब की कहानी से क्या संदेश मिलता है? फादर, याकूब की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कमजोर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश मैथ्यू। कल मैं तुम्हें याकूब के बेटे और उसके सपनों की कहानी सुनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। मैं शुरू करूं उसके पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने 10 आज्ञाओं के बारे में सुना है? हाँ, क्या है वह? क्या तुमने सुना है मैथ्यू? मैं ठीक है। क्या तुम 10 आज्ञाएं बता सकते हो जॉर्ज? 10 आज्ञाएं ईश्वर ने मूसा को दी थी ताकि लोग उसका पालन करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हम 10 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे कि कैसे ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। मैं तुम्हें बताऊंगा, हम शुरू करें? हाँ फादर। इब्रानी जो यूसुफ के साथ मिस्र पहुंचे थे, वे 16वीं शताब्दी के मध्य तक स्वतंत्रता तथा समृद्धि के साथ रहे। परंतु नए राजा के उदय के साथ
इजराइलियों पर अत्याचार होने लगा। सुनो, ये इब्रानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने सही कहा महाराज, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो हमारे जैसे नहीं हैं। हाँ, वे बहुत सारे हैं, वे इकट्ठा होकर स्वयं की सेना बना सकते हैं। हाँ महाराज, वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत कुछ किया, उनसे कठोर परिश्रम करवाया, उनके कर दुगने कर दिए, मुझे उनकी संख्या नहीं बढ़ने देना है, समझे? हाँ महाराज, उनकी संख्या बढ़ने नहीं दे सकते। हाँ, इस बार मैं उनको ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि वो याद रखेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जाओ, सैनिकों को बुलाओ और सब इब्रानी बच्चों को नील नदी में फेंक दो। हाँ महाराज, हमें फेंक देना चाहिए। परंतु नदी में बच्चों को फेंकना महाराज? हाँ, बच्चों को। उन इब्रानियों को हमसे डरना चाहिए, उन्हें मानना होगा कि मैं ही उनका ईश्वर हूँ। अब तुम जाओ और सैनिकों को आदेश दो। जी महाराज। सेनापति, सेनापति। अब वो मुझे ही ईश्वर मानेंगे। चल मेरे साथ। मेरा बच्चा, इसे मत लेके जाओ। हटा। सब जगह रुदन था। अब वो समय था जब ईश्वर को उनकी चिंता हुई और इज़राइल की जनता की रक्षा करने के लिए वे आगे आए। परंतु एक माता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक तरीका निकाला। मेरा बेटा इसमें जीवित रहेगा। माता, आप इसे नदी में क्यों बहा रही हैं? हमारे पास इसको बचाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमें इसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना। कोई भी मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे नहीं। टोकरी कई घंटों तक पानी में तैरती रही और फिरौन के महल में जाकर रुक गई। और फिरौन की बहन ने टोकरी को देखा। देखो दासी, वो क्या है, उसे लेकर आओ। ये लीजिए राजकुमारी। अरे, इसमें बच्चा है। ये इब्रानी बच्चा है राजकुमारी, इसे नदी में फिर से फेंक दो। क्या, मैं इस मासूम बच्चे को फेंक दूं? नहीं, मैं इस नन्हे बच्चे को नहीं मरने दूंगी। मैं इसे अपने पुत्र जैसा पालूंगी। ये सभी इंसानों में श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये पानी से निकला है और इसका नाम मूसा होगा। श्रेष्ठ कार्यों के लिए बने हो मूसा, मैं दिल से ये महसूस करती हूँ मेरे पुत्र। मूसा का लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ। मूसा और राजा के पुत्र रामसेस दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की। उसने सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उसके 21वें जन्मदिन पर फिरौन ने मूसा को महल में आमंत्रित किया। मूसा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जी, आपका धन्यवाद। मूसा, ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। आज से तुम सारे इब्रानी दासों के स्वामी कहलाओगे। नहीं। क्या तुम प्रसन्न हो? मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उठो उठो, तुम मेरे पुत्र हो मूसा।
नहीं, मत मारो। तो आलसी कहीं के। नहीं, रुक जा, मत मारो। तो रुक जा। नहीं, तुम क्या समझते हो, नाटक करके बच जाओगे? रुको। क्यों, क्या चल रहा है यहाँ? तुम कौन हो? रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ। ए, जाओ तुम। मैंने तुम्हें रुकने को कहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे नहीं, कि ये मैंने क्या कर दिया? ओ नहीं, मूसा, 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 तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं हारून हूँ, तुम्हारी दाई का पुत्र हूँ। तो वो तुम्हारी दाई नहीं है मूसा, वो तुम्हारी माता है। क्या? परंतु मैं तो मिस्र का राजकुमार हूँ। मूसा, क्या तुम उस टोकरी और कंबल को पहचानते हो जो माता ने तुम्हें दिए थे? मैं हाँ। क्या तुम तुम्हारी बहन मिरियम को पहचानते हो? मिरियम मेरी बहन है। हाँ मूसा, क्या तुम्हें यह सब याद है? हाँ, मैंने स्वप्न में देखा था, परंतु मुझे विश्वास नहीं था कि यह सत्य है। यह सत्य है मूसा, और मैं हूं तुम्हारा भाई हारून। ओह, मेरे भाई मूसा। हम सब तुमसे प्रेम करते हैं मूसा, परंतु तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। हाँ नहीं, मैं मिस्र का राजकुमार हूँ, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं। ये गधा लो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तुम्हारा क्या होगा मीडियम, मेरा परिवार? हम कैसे भी गुजारा कर लेंगे, हम बचे रहेंगे, हमारी चिंता मत करो। ये गधा लो और जल्दी से भाग जाओ। हाँ स्वामी, वे आएंगे और आपको मार देंगे, आप भाग जाइए। परंतु हम पर विश्वास करो मूसा, हम यही हैं, हम फिर मिलेंगे। हम एक दूसरे को फिर देखेंगे मूसा, ये मैं महसूस कर रहा हूं। मूसा कई दिनों तक बिना भोजन और बिना पानी के चला। मुझे माफ करना दोस्त, मैं सोचता हूं कि हमें आसपास कहीं पानी जरूर मिलेगा। अरे रुको, अरे वहां कहां जा रहे हो? रुको तो, क्या है वहां पर? ओह, तुमने हमें बचा लिया। चले जाओ यहाँ से, चला। नहीं, हमारी भेड़े प्यासी है, हम पहले आए हैं। चलो ऑटो यहाँ से। ए, रुक जाओ।
ये महिलाएं यहाँ पर तुमसे पहले आई हैं। तुम समझते क्या हो? इसे ऐसा सबक सिखाएंगे? भाग! और लड़ना चाहते हो? भागो, भागो रे! क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बिल्कुल, ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छी तरह से पानी पियो मेरे दोस्त। आपका नाम क्या है? जी, मूसा। मैं सिपोरा हूँ, मिद्यान के याजक की पुत्री। क्या आप इब्रानी हैं? नहीं, हाँ मैं इब्रानी हूँ, लेकिन यहाँ के लिए तो अजनबी हूँ। मेरे साथ आइए, हमारी रक्षा के लिए मेरे पिताजी आपका धन्यवाद करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मूसा ने सिप्पोरा से विवाह कर लिया और मिद्यान में बस गया। वो मित्रों की भेड़ों को चराता था। मूसा के दो पुत्र थे और वो संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं जा रहा हूँ प्रिय, शाम तक लौट आऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है प्रिय। परंतु मिस्र में इज़राइल की जनता अत्याचार से त्रस्त थी और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंची। ईश्वर ने मूसा को इज़राइल की जनता की रक्षा के लिए चुना। ए छोटे बच्चे, तुम्हारे पास खाने को घास है? मुझे लगता है हम सबके चलने का समय हो गया है। आओ चलो चले। अरे रुको, अरे उधर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे रुको। अरे ये क्या, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। झाड़ी में आग, लेकिन झाड़ी तो जल नहीं रही। मूसा, मैं यहाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। मूसा, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। लीजिए, मैंने जूते उतार दिए। मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर उनके पूर्वजों को दिए देश में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उनको स्वतंत्र करने भेजूंगा मूसा, ताकि तुम इस पर्वत पर मेरी आराधना करो। मैं कौन हूं? मैं मिस्र जाकर कहूंगा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या कहूंगा मैं उनसे? मेरा संदेश लोगों को दो, वे तुम्हारे साथ मिस्र से निकलकर यहां तक आएंगे, और फिर यहां से उन्हें ऐसे देश ले जाना जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। डरो मत मूसा, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मूसा ने अपने घर को छोड़ दिया। क्या तुम्हें सचमुच जाना पड़ेगा? ईश्वर की आज्ञा है, मुझे जाना ही होगा। पर हम यहाँ खुश हैं। नहीं प्रिय, मुझे माफ करना, परंतु मैं यहाँ खुश नहीं, क्योंकि जब मेरे लोग मिस्र में अत्याचार सह रहे हैं,
परंतु हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मुझे जाना होगा। पिताजी मत जाओ। नहीं मेरे पुत्र, मुझे जाना ही होगा, ये मेरे ईश्वर की आज्ञा है। क्या हम फिर मिलेंगे पिताजी? बिल्कुल मेरे बेटे, मैं जरूर आऊंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे मूसा, हम तुम्हारा। मैं चलता हूँ प्रिय। बाय पिताजी। खुश रहो मेरे बेटे। आखिर हम इस जगह पर पहुंच ही गए मित्र, आओ आगे चलें। आओ यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं, लो पानी पियो। मूसा। कौन? अरे हारून मेरे भाई। मूसा तुम यहाँ? भाई। मीडियम 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 मेरी बहन। मेरे छोटे भाई, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। परंतु तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? मैंने स्वप्न देखा, ईश्वर ने कहा कि आप यहाँ आओगी। वो स्वप्न नहीं मेरे भाई, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। यहाँ की स्थिति खराब हो रही है मूसा। हाँ क्या हुआ है मेरे भाई? पिछले साल राजा की मृत्यु हुई और उसका पुत्र रामसेस यहाँ का राजा है। वो घमंडी अत्याचारी और अहंकारी है, उसने कई तरह के अत्याचार हम पर करना शुरू कर दिए हैं। वो एक अत्याचारी राजा है। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म होगी, हम कल फिराउन के पास जाएंगे। रामसेस? हाँ मैंने कई सालों से उसे नहीं देखा। हाँ हम चलेंगे, अभी घर चलते हैं। मैंने सबको बताया कि आप आ रहे हैं, मैंने उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए देश के बारे में भी बताया है। हारून मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, हमें सबकी सहायता चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मूसा। धन्यवाद मेरे भाई। तुम हमारे साथ ही रहोगे भाई, अभी तुम आराम करो, कल तुम्हें बहुत से काम है। मूसो कायर कहीं के हत्यारे। रामसेस मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ईश्वर का प्रतिनिधि? क्या कहना है तुम्हें? ईश्वर ने मुझसे बात की है, इसराइल के ईश्वर की आज्ञा है कि मेरे लोगों को जाने दो। ओ मूसा तुम सोचते हो कि मैं इब्रानियों को जाने दूंगा? ऐसे ही उस ईश्वर के कारण जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से, तुम पर मुझे दया आ रही है। तुम धोखेबाज हो, मैं मिस्र का राजा हूँ। अब उसे दिखाने का समय आ गया है। तो देखो ईश्वर का चमत्कार। पिताजी चिंता मत करो पुत्र, ये तो जादू है, हमारे जादूगरों को बुलाओ। जी महाराज। ओ सांप बना दिया?
ये तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो दो सांप, हमारे जादूगर भी तुम्हारे ईश्वर से ज्यादा करके दिखा सकते हैं। हमारे जादूगर अच्छे हैं। देखो उनका सांप हमारे सांप खा रहा है। हाँ? पिताजी, सुनो, मेरे लोगों को जाने दो। अपने ईश्वर से कह देना कि फिराउन उन्हें कभी मुक्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और अपने ईश्वर से ये भी कह देना कि फिराउन उन पर और अत्याचार करेगा और उन्हें मकान बनाने के लिए एक ईंट नहीं देगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय। धन्यवाद फादर। कहाँ है? कोई बात नहीं, वो जीमी के साथ खेल रहा है। इसे पकड़ो जीमी, आओ। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्या है? चलो मूसा और उसके परिवार की तरह खेलें। अरे यह तो बहुत अच्छा है। मैं मूसा बनूंगा और तुम मीरियम, मूसा की बहन। हाँ मजा आएगा। ठीक है चलो उनके जैसे खेले। मूसा हमेशा डंडा रखते थे, मैं भी डंडा रखूंगा। और मीरियम स्कार्फ पहनती थी, मैं अभी लाती हूँ। मुझे लंबा डंडा चाहिए। अरे यह अच्छा है। नहीं यह छोटा है। मुझे लंबा डंडा चाहिए। हाँ ये कैसा है? हाँ यह ठीक लग रहा है। अब मैं मूसा की तरह लग रहा हूँ। ईश्वर, मेरे लोग भूखे हैं। कृपया भोजन दीजिए, कृपया भोजन दीजिए, कृपया भोजन दीजिए। कुछ नहीं। हाँ, आह ये कैसे हो सकता है? नहीं जॉर्ज, जॉर्ज। हाँ तो तुमने डंडा फेंका? कौन सा डंडा? ओ वो, मुझे क्षमा करना, मैं जिमी के साथ खेल रहा था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम क्या? ओ हमने तुमको नहीं बताया, हम खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहा है? लूसी मेरी बहन बनी है, मीरियम। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? मैं हारून बनूंगा। मूर्ख मत बनो, हारून मूसा से बड़ा था परंतु तुम मुझसे छोटे हो। तो मैं योशुआ बनता हूँ, मूसा का सेनापति। ठीक है तुम मेरे सेनापति हो, चलो मेरे सेनापति। हाँ स्वामी। हा। तुम कहाँ थे? मैं ये लेने गया था। कैसा लग रहा हूँ? तुम अच्छे लग रहे हो। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना हम समुद्र में रास्ता बनाएं? मैं कोशिश करता हूँ।
ठीक है, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं। ईश्वर, मैं और मेरे लोग समुद्र कैसे पार करें? हमारी सहायता करिए। यह उथली नदी है, तुम पैदल ही चल सकते हो। हाँ? क्या तुमने सुना? ईश्वर, क्या आप? क्या तुम चाहते हो कि मैं समुद्र में मार्ग बनाऊं? फादर जॉन, क्या आप हैं? गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने सोचा ईश्वर बोल रहे हैं, पर ये तो आप हैं। मैं तुमसे खेल रहा था, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम स्कार्फ में अच्छी लग रही हो लूसी। धन्यवाद फादर। हम खेल रहे हैं फादर, मैं मूसा बना हूँ, ये देखिए मेरा डंडा। और मैं मरियम बनी हूँ, मूसा की बहन। बहुत अच्छे, तो इसलिए तुमने स्कार्फ पहना है। और तुम मैथ्यू? मैं योशुआ हूँ, मूसा का सेनापति। तुम बहुत प्यारे सेनापति हो। क्या तुम योशुआ की पूरी कहानी जानते हो मैथ्यू? क्या कहानी है? हाँ सुनाता हूँ। मूसा ने योशुआ को ही लोगों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश ले जाने को कहा था। हाँ, पर मुझे लगा था कि कहानी यहीं तक है। परंतु इजरायली ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश नहीं पहुँचे। हाँ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश पहुँचना इतना आसान नहीं था। फादर, क्या आप हमें पूरी कहानी बताएंगे? हाँ क्यों नहीं, चलो बच्चों वहाँ बैठते हैं। मूसा ने इज़राइलों को स्वतंत्र कराया। ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। मूसा ने लोगों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश ले जाने का कार्य योशुआ को दिया और योशुआ किसी तरह यर्दन नदी के तट पर आया। इज़राइल के लोगों, हम यहाँ यर्दन नदी के तट पर पड़ाव डालेंगे, तुम यहाँ आराम करो। तुम मेरा सामान रख दो पुत्र। हाँ, हमारा पुत्र थक गया है। मैं नहीं थका हूँ माँ, क्या मैं खेलने जाऊँ? कृपया खेलने दो ना, खेलने दो। हाँ हाँ ठीक है, परंतु नदी के पास मत जाना, नदी का बहाव बहुत तेज है। धन्यवाद माँ। हमारे बेटे को देखो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा पुत्र दिया। क्या हुआ प्रिय? पर यदि हमारे लोग मूसा का विश्वास कर लेते तो हमें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। 40 साल, ये नदी बहुत बड़ी है, हम कैसे पार करेंगे? मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर, आपने हमें प्रतिज्ञा देश दिखाया। योशुआ? हाँ, कौन है, कौन है यहाँ? मैं हूँ योशुआ। ईश्वर, मैंने तुम्हें चुना है योशुआ, तुम इसराइलियों को प्रतिज्ञा देश ले चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मूसा एक महान नेता थे, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपसे निवेदन है, मैं नहीं कर सकता। हर विश्वासी महान है योशुआ। परंतु मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। हाँ, तुम कई मुश्किलों का सामना करोगे, दृढ़ रहो, स्मरण रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर, जो आपने मुझे चुना, परंतु आप ही बताइए हम नदी पार कैसे करेंगे? नदी बहुत गहरी है और प्रवाह बहुत तेज है। और लोगों ने नदी के किनारे पड़ाव डाला। क्या हमारे पास पर्याप्त भोजन है? हाँ स्वामी, कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है। ईश्वर हमारी सहायता करेंगे,
कौन हो तुम? कौन हो तुम? ले जाओ यहाँ से, अगर मरना नहीं चाहते हो तो। मुझे लगता है ये यरीको का राजा है। राजा? मैं योशुआ हूँ, इसराइलियों का प्रमुख। ईश्वर द्वारा ये देश हमें प्रदान किया गया है। ऐसा है, मैं यरीको का राजा हूँ, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ईश्वर ने हमें मिस्र से स्वतंत्र कराया है और ईश्वर की आज्ञा का पालन कर हम यहाँ तक आए हैं। हमें यहाँ आने दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश? तुम्हारे ईश्वर ने वादा किया है, मेरे ईश्वर ने नहीं। हमारे साथ ईश्वर है। तुम और तुम्हारा ईश्वर, तुमने ये नदी देखी है? क्या तुम इसे कभी पार कर पाओगे? हाँ? और अगर तुम नदी पार कर भी लेते हो तो तुम हमारी दीवार का सामना करोगे। हमारी दीवार सबसे मजबूत है, तुम लड़ाई के लिए तैयार रहना। हमारे ईश्वर ने मूसा की रक्षा की और इस बार वो हमारी रक्षा भी करेंगे। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारे ईश्वर ने कैसे समुद्र में मार्ग बनाया, परंतु उनकी शक्ति यहाँ नहीं चलेगी। यरीको से दूर रहो, नहीं तो हमारी सेना तुम्हें नष्ट कर देगी। योशुआ, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, ईश्वर में विश्वास रखो। ईश्वर जब कहेंगे हम नदी पार करेंगे। हमें आप पर विश्वास है स्वामी। परंतु मैं यरीको के राजा से चिंतित हूँ। वो नदी के पानी की तरह गुस्सैल है और खतरनाक है। हमें देर हो रही है स्वामी, हम तंबू में चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। योशुआ? हाँ? तुम चलो, मैं आता हूं। ईश्वर आप कहाँ हैं? ईश्वर? योशुआ, राजा से मत डरो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ईश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। हाँ, मुझे यरीको के राजा के बारे में जानना होगा। मुझे जानना है कि दीवार कितनी बड़ी है और ये कि सेना कितनी है। हाँ, मैं दो गुप्तचर भेजता हूं ताकि वे शहर के बारे में पता लगा सकें। योशुआ ने दो लोगों को यरीको भेजा ताकि वे राजा की सेना के बारे में पता लगा सके। उसने गुप्तचरों से दीवार के बारे में और जानने के लिए कहा। तुम क्यों रुके? वहां देखो। हाँ जल्दी छुपो। छुप जाओ जल्दी। परंतु महाराज, यदि इसराइलियों ने नदी पार कर ली तो? क्या वे पार कर पाएंगे? नहीं कर सकते, वे नहीं बचेंगे। हाँ सत्य है, लेकिन ईश्वर उनकी मदद करेंगे? नहीं, वो कहानियां बना रहे हैं। उनका नेता मूसा था, वो चालाक था। मूसा ने मिस्र के लोगों को स्वतंत्रता के लिए मूर्ख बनाया। क्या वो खाना स्वर्ग से? मूर्ख है वे सभी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना है, समुद्र से मार। लेकिन कई लोगों ने इसे देखा है। तो क्या हुआ, वो भी कोई जादू होगा। हम समय व्यर्थ नहीं करते हैं, मुझे मंत्रियों की सभा लेना है। चलो शीघ्र चलो। जी स्वामी। आवाज मत करना, वहां देखो। ओ, राजा सेनापति और सैनिकों के संग आ रहा है। गिनती करो इनकी। सेनापति
एक दो तीन चार पैदल सैनिक 10, 20, 30, 40 घोड़े 2, 4, 6, 8 कौन हो तुम हाँ? लगता है हमें पकड़ लिया है जवाब दो कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो हम भागो चुपचाप मुड़ो और भाग चलो ये गुप्तचर है पकड़ो गुप्तचरों को आप कौन हैं? मेरा नाम राहाब है और मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ पर बात करने का समय नहीं है इस तरफ चलो जल्दी लगता है वो कहीं छिप गए हैं तुम उधर जाओ मैं इधर जाता हूँ देखते हैं कहाँ गए होंगे यहाँ आओ जल्दी ये हमें कहाँ ले जा रही है मुझे नहीं पता ये हमें राजा के पास तो नहीं ले जा रही शायद ये हमसे झूठ बोल रही है इसके अंदर आओ जल्दी राजा का आदेश है दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे अंदर आओ जल्दी चलो दरवाजा खोलो राजा का आदेश है खोलो नहीं तो तोड़ देंगे जल्दी खोलो दरवाजा खोलो मैं आ रही हूँ क्या बात है श्रीमान हटो सामने से गुप्तचर कहाँ है गुप्तचर कैसे गुप्तचर क्या तुमने दो लोगों को दौड़ते हुए देखा है ओह वे दो आदमी उन्हें मैंने नगर के फाटक की ओर जाते देखा सब सैनिक नगर द्वार की ओर चलो वो गुप्तचर नगर द्वार की ओर ही गए हैं जान बची राहब ने इजरायलियों को बाहर आने के लिए कहा हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें बहन हाँ तुमने बड़ा बहादुरी का कार्य किया है परंतु तुमने हमारे लिए खतरा क्यों उठाया हाँ हम तो तुम्हें जानते तक नहीं ये रिखो के सब लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है हम जानते हैं कि तुम हमारे देश के लिए आ रहे हो हमने तुम्हारे ईश्वर के बारे में सुना है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करते हैं और हमने सुना है कि तुम्हारे ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं उन्होंने मूसा के लिए समुद्र में मार्ग बना दिया हाँ 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 ये बिल्कुल सही है बहन मूसा एक महान नेता थे और ईश्वर उनके साथ था ये बिल्कुल सही है बहन हाँ ईश्वर बड़ा महान है तुम लोग शहर से निकलकर पहाड़ी में छुप जाना और 3 दिन तक वहीं रहना ये रस्सी लो ये तुम्हारे काम आएगी धन्यवाद बहन ईश्वर तुम्हें आशीष दे रहा तुम बड़ी दयालु हो रुको एक बात कहूँ क्या कहना चाहती हो जब तुम्हारे लोग नगर पर हमला करेंगे तो कहो बहन क्या तुम अपने सैनिकों को कहोगी कि वे मेरी और परिवार की रक्षा करें बिल्कुल तुम बड़ी दयालु हो हम हमारे सैनिकों को कह देंगे कि वे तुम्हें कुछ न करें तुम यह लाल रस्सी अपनी खिड़की पर लटका देना यह चिन्ह होगा जिससे तुम्हारे घर पर कोई आक्रमण न करे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तचरों ने वैसा ही किया जैसा कि राहब ने कहा था और 3 दिन बाद वे योशुआ के पास गए राहब ने हमसे यही कहा है स्वामी क्या यह सत्य है हाँ वे हमसे डरते हैं और हमारे ईश्वर से भी डरते हैं ईश्वर का धन्यवाद उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा था कल हम नदी पार करेंगे और अगले दिन सारे इजरायली नदी पार करने के लिए चले ईश्वर हमारी सहायता कीजिए विधान की मंजूषा लाओ योशुआ ने याजकों को विधान की मंजूषा लेकर नदी में खड़े होने के लिए कहा चमत्कार ईश्वर का चमत्कार और सभी ने वो चमत्कार होते हुए देखा याजकों ने विधान की मंजूषा रखी
और ईश्वर ने नदी में मार्ग बना दिया। माँ देखो। अरे वाह, वो मूसा की तरह कर रहा है। ईश्वर योशुआ के साथ है जैसे वो मूसा के साथ थे। धन्यवाद ईश्वर। योशुआ, तुम 12 आदमी चुनो, उन्हें यर्दन नदी के बीच जहां याजक खड़े थे 12 पत्थर लाने के लिए कहो। उन्हें ले जाओ और वहां रखना जहां तुम रात को रुकोगे। जब तुम्हारे बच्चे इन पत्थरों के बारे में पूछेंगे, तुम उन्हें बताओगे कि यहां क्या हुआ। तुम उन्हें विधान की मंजूषा के बारे में बताओगे, कैसे नदी के पानी में मार्ग बन गया। जब वे विधान की मंजूषा पानी में ले गए, ये पत्थर इसराइलियों के लिए स्मारक है। चलो बेटे, जल्दी चलो। पिताजी, इन मछलियों को देखिए। हमें नदी पार करना है पुत्र, जल्दी चलो। चलिए जल्दी करिए, हमें जाना है, जल्दी करिए। ऐसे सारे इसराइलियों ने नदी पार की और यरीखो की दीवार के आगे पड़ाव डाला। रात हो रही है, हम सब आ गए हैं स्वामी। ठीक है। एक शाम योशुआ दीवार के सामने खड़ा हुआ था। हे ईश्वर, मैं बिना कुछ पूछे आपकी आज्ञा मानता हूँ, परंतु मैं यरीखो के राजा और उसकी सेना को कैसे परास्त करूंगा। योशुआ, ईश्वर, तुम्हें हथियार नहीं, मुझ पर विश्वास चाहिए। मैं जैसा कहता हूं करो, ताकि यरीखो के राजा और सेना को परास्त कर सको। अगले दिन सुबह योशुआ ने इसराइलियों को लंबी कतार बनाने के लिए कहा। याद रखो, ईश्वर ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तुम ईश्वर का कहा मानोगे और कोई शोर नहीं करोगे। पहले 7 याजक मंजूषा के आगे मेढ़े की सींग की 7 तुरहियां लेकर चले, फिर सिपाही चले। उन्होंने एक बार नगर की परिक्रमा की। ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये युद्ध के लिए आए हैं। मुझे तो ये परेड लगती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो, ये मूर्ख हैं। और वो परिक्रमा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं। चलो, हमारे पास और भी बहुत से काम है। हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम कल फिर नगर की परिक्रमा करेंगे। क्या क्या? और ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति शोर नहीं करेगा, सिर्फ मेढ़े के सींग की तुरैयों की आवाज आए। इसराइलियों ने फिर नगर की परिक्रमा की। छह दिनों तक उन्होंने नगर की परिक्रमा की, परंतु 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तुम इसराइली मूर्ख हो और तुम्हारा नेता सबसे बड़ा मूर्ख। लोग 7वें दिन परेशान होकर योशुआ के तंबू पहुंचे। योशुआ, क्या मैं अंदर आऊं? हाँ, आप आ सकते हैं। योशुआ, ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग परिक्रमा करते करते थक गए हैं। हमें सैनिक नेता चाहिए। हाँ, ऐसा सैनिक जो हमारा नेतृत्व कर सके। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं सैनिक नहीं हूँ, परंतु मुझे ईश्वर में विश्वास है, वो हमें हारने नहीं देंगे। जब तक कि हम उनमें विश्वास करते हैं,
आज मेरे साथ कौन आएगा? मैं आऊंगा स्वामी। क्षमा करिए, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। सबको कह दो हम परिक्रमा करेंगे। और उन्होंने परिक्रमा की, परंतु इस बार योशुआ ने उन्हें कहा कि 7 बार परिक्रमा करें। सातवीं परिक्रमा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब आश्चर्यचकित हो गए। सब चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज स्वर्ग में ईश्वर तक पहुंचे, ईश्वर का धन्यवाद। चिल्लाओ, ईश्वर ने हमें यरीखो का नगर दिया है। चिल्लाओ, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? महाराज, वो देखिए, दीवार गिर रही है महाराज। आह, मैं ये आवाज सहन नहीं कर सकता। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। महाराज, ये दीवार गिर रही है। क्या हो रहा है ये सब? भागो, जान प्यारी है तो भागो। भागो, भागो, भागो। यीशुआ और उसके लोगों ने अपनी आवाज से मेढ़े की सींग और ईश्वर में विश्वास से वो दीवार गिरा दी। धन्यवाद यीशुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने ये सब किया है, मैंने तो बस उनकी आज्ञा मानी है। यीशुआ, यीशुआ। हाँ? ये राहाब है जिसने हमारी सहायता की थी। धन्यवाद राहाब, धन्यवाद मेरे लोगों की सहायता के लिए। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ, तुम यहाँ रह सकती हो, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मुझे मत छुओ, मत पकड़ो, रुको। चलते रहो। मैं राजा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम राजा नहीं हो, ये देश हमारा है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि ये देश हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, तो तब तुमने हमारी हंसी उड़ाई थी, हमें मूर्ख समझा था। अब देखो कि मूर्ख कौन है। अब चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमारा घर। यरीखो पर कब्जा करने के बाद इसराइलियों ने और देशों पर कब्जा किया, क्योंकि योशुआ ने ईश्वर में विश्वास रखा। वाह, कितनी अच्छी कहानी है। तुम्हें कहानी अच्छी लगी लूसी? आप कल कौन सी कहानी सुनाएंगे फादर? हाँ, मैं तुम्हें रूथ और नोमी की कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें वो कहानी बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों, बहुत देर हो रही है, अपने अपने घर जाओ जल्दी। गुड बाय बच्चों। चर्च में है? हाँ जॉर्ज, वो फादर जॉन के साथ है। वह अपने प्रश्नों से फादर जॉन को परेशान कर रहा होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, वह कभी कभी फादर को परेशान करता है। वे वहाँ हैं। आओ हम भी वहाँ चले। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो मैथ्यू। हेलो जॉर्ज। फादर, आप मैथ्यू के साथ क्या कर रहे हैं? मैं उसे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ। क्या फादर, किसकी किताब? क्या तुमने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में नहीं सुना? नहीं फादर, हमने नहीं सुनी। हाँ,
ठीक है, बैठ जाओ बच्चों, मैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से कहानी सुनाता हूँ। क्या तुमने समसोन और दलीला की कहानी सुनी है? नहीं फादर। वो कौन है फादर? समसोन की कहानी बलशाली मनुष्य के पतन की कहानी है। उसका जन्म चमत्कारिक था और उसके जन्म से पहले ही उसका जीवन ईश्वर को समर्पित था। स्वर्गदूत ने समसोन के माता पिता को चेतावनी दी थी कि उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। उसे शराब पीना, अपवित्र वस्तु खाना मना था। उसे ईश्वर ने इज़राइलियों की फिलिस्तीनियों से रक्षा के लिए भेजा था। एक दिन दलीला दासी के साथ जंगल में घूम रही थी। दलीला, देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। अरे वो देखो, दलीला हम वापस चले? हाँ, कौन कौन है वहाँ? दलीला वहाँ वहाँ देखो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर! दलीला भागो, दलीला भागो, भागो! मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मेरा नाम समसोन है और मैं पास ही में रहता हूँ। समसोन? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ओह क्षमा करिए, मेरा नाम दलीला है और मैं फिलिस्ती से हूँ। दलीला, दलीला, तुम कैसी हो? इन्होंने मुझे बचा लिया। तुम सैमसन हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम्हारी फिलिस्तीनियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम में से एक को बचाया है, तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। अब चलो, चलते हैं यहाँ से। वो कौन था? वो समसोन है, इज़राइली। हम उन पर राज्य करते हैं। वो कितना शक्तिशाली है। समसोन को ईश्वर ने असीम शक्ति दी थी। ईश्वर चाहते थे कि वो इज़राइलियों की रक्षा करें। इज़राइलियों ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी और इसलिए ईश्वर ने उन्हें 40 वर्ष के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ दे दिया। फिलिस्तीनियों ने 40 साल तक उनका जीवन कष्टमय बनाया, परंतु अब ईश्वर फिलिस्तीनियों को भगाने वाले थे। फिलिस्तीनियों को समसोन की ताकत के बारे में पता था। मैंने उससे पूछना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं बताया। घमंडी इसराइली, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, वह हम फिलिस्तीनियों के लिए खतरा है। हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। परंतु हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। इसराइलियों पर आक्रमण करो, वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। फिलिस्तीनियों ने लही नामक नगर पर छापा मारा। उस शहर में इसराइली रहते थे। वे जानते थे कि समसोन इसराइलियों की रक्षा के लिए जरूर आएगा। हमें मत पकड़ो, ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने क्या गलत किया है?
हम तभी रुकेंगे जब तुम बताओगे कि सैमसन कहाँ है। सैमसन? पर हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। तुम्हें नहीं पता तो पता करो कहाँ है। मत मारो। नहीं। आ। हम तुम्हारे लोगों को तब तक मजा चखाते हैं, अब जाओ ढूंढो उसे। हाँ मालिक, हम ढूंढते हैं। लही नगर के सब लोग, करीब 3,000 लोग पास के पर्वत पर सैमसन को बुलाने गए। सैमसन, 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 सैमसन। कौन है वहां पर? सैमसन। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग? हम लही नगर से आए हैं। फिलिस्तीनी तुम्हारे कारण हम पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या? मेरे कारण? मुझे उनकी सहायता करना चाहिए। रुको, मैं आ रहा हूं। हाँ सैमसन, वे हमारी महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। कृपा करके हमारी रक्षा करो। आप बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। हमें तुम्हें बांधकर उनके हाथ में सौंपना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वे लही नगर को नष्ट कर देंगे। ठीक है, वहां रुको और तुम मुझे बांध दो। पर क्या? पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। धन्यवाद सैमसन, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अच्छा ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं आता हूं। और वे लोग सैमसन को मोटी रस्सी से बांध कर लाए। लीजिए स्वामी, हम इसे बांध कर ले आए हैं, अब आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। बड़े शक्तिशाली बनते हो ना तुम। इसे नगर के द्वार की तरफ ले चलो, वहां हम दंड देंगे। परंतु ईश्वर ने सैमसन को असीम शक्ति प्रदान की थी और उसने रस्सी को धागे की तरह तोड़ दिया। उसे गधे के जबड़े की एक हड्डी मिली, उसने वो उठा ली और चारों तरफ घुमाने लगा। अरे ये तो सैमसन है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सैमसन, सैमसन। दलीला, दलीला। हाँ मैं ही हूँ, उठो सैमसन। दलीला, मैंने गधे के जबड़े की हड्डी से पूरे 1,000 लोगों को मार दिया। हाँ तुम एक महान योद्धा हो, पर तुम्हें अभी बहुत चोट लगी है, मेरे घर चलो। मैं कहाँ हूँ? ये गाजा है, यहाँ मेरा घर है, कृपया मेरे साथ चलो। ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। दलीला सैमसन को अपने घर ले जाती है और उसकी सेवा करती है। ईश्वर का आशीर्वाद सैमसन के साथ था और उसके घाव जल्दी ठीक हो गए। घाव ठीक हो गए हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो। परंतु फिलिस्तीनी बेचैन थे, वे सैमसन के कारण परेशान थे। उन्हें सैमसन को पकड़ना था, वे उसकी शक्ति के रहस्य को जानना चाहते थे। 1,000 लोग मारे गए, कई घायल हुए, तुम बताओ सैमसन कौन है? मैंने सुना है उसे ईश्वर से शक्ति मिलती है।
मूर्ख इसराइली, वे मूर्ख चीजों पर विश्वास करते हैं। हमें उसकी शक्ति का रहस्य जानना चाहिए, तभी उसे हरा सकेंगे। हाँ, पर कैसे? दलीला के पास चलते हैं, वही उसे फुसलाकर तरकीब से उसका भेद जान सकती है। हाँ, ये सही विचार है, वो औरत ही उसकी शक्ति का भेद जान सकती है। क्या वो हमारे लिए ऐसा करेगी? चांदी के सिक्के कौन अस्वीकार कर सकता है? कुछ दिन बाद फिलिस्तीनियों के नेता दलीला के घर जाते हैं। उस समय समसोन वहां नहीं था। सुनो दलीला, तुम हमारे लोगों की सैमसोन से रक्षा करो। एक तुम ही हो जो समसोन की शक्ति का भेद पता कर सकती हो। परंतु मैंने कोशिश की थी, कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया। झूठ! तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। आ, आ। सुनो, क्या तुम्हें 10,000 चांदी के सिक्के नहीं चाहिए? आ, आ। छोड़ो उसे। आ, आ, आ। मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसने सच नहीं बताया। मैंने उसे 7 तारों से बांधा, नई रस्सी से बांधा, उसके सिर के बालों को बुन दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हमारे साथ खेल मत खेलो, हम कल फिर आएंगे, सारे भेद पता कर लेना, समझी? चलो चलते हैं। हाँ, मैं क्या करूंगी? उस रात दलीला ने समसोन को शराब पिलाई। सैमसन, तुमने मुझे बहुत मूर्ख बनाया, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। ओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। नहीं प्रिय, ये सच है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी शक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते? मेरी प्रिय, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, पर अगर मैंने ये बता दिया कि मेरी शक्ति कहाँ है। मेरा सिर। क्यों? ऐसा क्यों प्रिय? मुझे बताओ। मुझे क्षमा करना प्रिय, ये नहीं बता सकता। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रहे हो। मुझे तुम पर विश्वास है। तो बताओ ना प्रिय। दलीला, मेरी प्रिय, मैं नाजीर हूं। नाजीर? इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर ने मुझे चुना है। मुझे अंगूरी नहीं पीनी चाहिए थी, मुझे बाल नहीं कटवाने हैं, मैं ईश्वर का सेवक बना रहना चाहता हूँ। नाजीर, अच्छे से सो जाओ मेरे प्रिय, तुम्हारा भेद मेरे पास सुरक्षित है। दलीला, जाओ सबको बुलाओ, मैंने रहस्य पता कर लिया है। ठीक है दलीला। उस रात दलीला ने नेताओं को बुलवाया और सारा भेद बता दिया। इसके बालों में ही इसका राज छुपा है, यदि इसके बाल काट दिए जाए तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो बाल है, इसके सारे बाल काट दो। ठीक है मालिक। दलीला, कहाँ हो तुम? बहुत अच्छे दलीला, लो तुम्हारा पुरस्कार। दलीला,
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया। क्षमा करो प्रिय, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी, मुझे क्षमा करो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना था। तुम्हारी शक्ति कहाँ है समसोन? मूर्ख कहीं के? मुझे खोल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी शक्ति कहाँ है। फिलिस्तीनियों, खोल कर दिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पकड़ो उसे, पकड़ो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा, फिर देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था। सुनो दलीला, हमने उसे मारा नहीं, तुम्हें तुम्हारा पैसा भी मिल गया। चलो अब हटो यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने कहा हटो। नहीं नहीं नहीं। उस रात फिलिस्तीनी राजा ने समसोन को बंदी बना लिया, अंधा किया और उसे बेड़िया पहना दी, जेल में डाल दिया और उस पर अत्याचार किया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और चक्की पिसवाने लगे। दलीला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं कितनी शांति से सो रहा था। मैं उसे क्या दोष दूं? मेरी गलती है, मैंने शपथ ली थी। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने अपनी शपथ तोड़ दी। ईश्वर मुझ पर दया करिए, मेरे पाप क्षमा करिए। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्षमा करिए, क्षमा करिए। समसोन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो जेल में बंद था, अंधा था, उसके पास शक्ति नहीं थी। वो ईश्वर से रात दिन दया के लिए प्रार्थना करता था और ईश्वर की कृपा से उसके बाल बढ़ने लगे। मूर्ख सैमसन, वो सोचता है कि उसका ईश्वर हमारे ईश्वर से महान है। वो मूर्ख है, तभी तो जेल में सड़ रहा है। ये सब उन लोगों के लिए सबक है जो हमारे ईश्वर के समक्ष खड़ा होना चाहता है। हमें सैमसन पर विजय का उत्सव मनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें अपनी जीत का उत्सव तो मनाना ही चाहिए। फिलिस्तीनियों ने उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि उनके देव दागोन ने उन्हें समसोन पर विजय दिलाई है। सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं था, देव दागोन ईश्वर नहीं थे। हे सुनो, समसोन को हमारे पास लेके आ ताकि हम कुछ आनंद उठा सकें। बढ़िया विचार है, मजा आएगा। समसोन को इधर लाओ। जी महाराज। मैं कहाँ हूँ? चलते रहो। उसको मंच पर ले जाकर खंभों से बांधो। हाँ, उसकी बेड़ियों को ढीला करो ताकि वो नाच सके। नाचो। इस अंधे का नाच देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? अरे तुम हमारे ईश्वर दागोन के मंदिर में हो। प्रिय लोगों, उत्सव शुरू करें। आज हम लोग सैमसन का नृत्य देखेंगे। हे ईश्वर, अंधे नृत्य करना शुरू कर।
हाँ हाँ शुरू करो। नाचो मूर्ख। ओह, हाँ, इसे और मारो। आज मजा आएगा इसको नाचते देखकर। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नाचो। ओह, नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ, मेरे कारण। मंदिर में 3,000 लोग थे और वे ईश्वर और समसोन का मजाक उड़ा रहे थे, परंतु समसोन चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रिय ईश्वर, मुझे याद कर ईश्वर, शक्ति प्रदान कर मुझे ईश्वर, मेरे पापों के लिए क्षमा कर ईश्वर, मुझे याद कर, शक्ति दे मुझे ईश्वर, शक्ति प्रदान कर। ईश्वर ने उसे बल प्रदान किया। ओ, ओ, ओ। हे ईश्वर। और जब समसोन को इसका एहसास हुआ, उसने दोनों खंभों को पकड़ लिया, उसने पूरी ताकत से खींचा। उसने पूरी ताकत से उन्हें खींचा और बड़ी इमारत धूल के गुब्बारों में ढक गई। वो इमारत 5 दुष्ट राजाओं और लोगों के ऊपर गिरी। सब लोगों के साथ समसोन और दलीला पर भी गिरी। तो ये है बच्चों, समसोन और दलीला की कहानी। हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ फादर। न्यायकर्ताओं के बारे में मुझे कौन बताएगा? वे लोग इसराइलियों का उद्धार करने के लिए भेजे गए उद्धारक थे। सही है। अब मुझे नाजीर का अर्थ कौन बताएगा? नाजीर वह व्यक्ति है जिसका जीवन ईश्वर को समर्पित है। वह शराब नहीं पी सकता, बाल नहीं काट सकता और कोई अपवित्र वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। शाबाश लूसी। अब मुझे समसोन की शक्ति का राज कौन बताएगा? समसोन नाजीर था, इसीलिए ईश्वर ने उसे अपार शक्ति दी थी। और समसोन की शक्ति कैसे समाप्त हुई? दलीला ने धोखे से उसे शराब पिलाई और जब वह सो रहा था उसके बाल काट लिए। शाबाश लूसी। चलो बच्चों, और कल जब आओगे मैं रूथ की कहानी सुनाऊंगा। वो कौन थी फादर? क्या वो इजरायली थी? नहीं बच्चों, वो इजरायली नहीं थी। ईश्वर किसी जाति को नहीं, सभी को प्रेम करते हैं। रूथ बहुत अच्छी महिला थी और वो राजा दाऊद की दादी बनी, जिसके वंश से ईसा मसीह आए हैं। अच्छा बच्चों, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय फादर। गुड बाय बच्चों।